हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और बैक टू बैक धमाकेदार ब्लॉग आने वाले, बिकॉज अभी है 29 दिसंबर और आज मैं जा रहा हूँ महाकाल के दर्शन करने। सब लोग 31st की पार्टी करेंगे, अपन 31st महाकाल के दरबार पे दर्शन करेंगे। 1 तारीख है, सोमवार है, और अपन सोमवार के दिन महाकाल के दरबार पे रहेंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, अभी इधर कुछ भी प्लान नहीं किया, बैक पैकिंग ट्रिप कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम में जिंदगी में। ना होटल बुक किया है, ट्रेन तो कन्फर्म, ट्रेन भी बुक किया पर वो भी कन्फर्म नहीं हुआ, तो अभी देखते कैसे जाना है। होटल बुक नहीं किया है, उधर कहाँ पे रहना है कुछ भी प्लान नहीं किया, आईटिनरी भी नहीं है मेरे पास। ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त जा रहा है। तो देखो अपना बैग लगेज इधर रेडी है, सिर्फ निकलने की तैयारी है, चप्पल पहनूंगा और निकल जाऊंगा। तो चलो बस अभी निकलता हूँ, मम्मी को बाय बोलता हूँ। ये मम्मी है, मम्मी को टाटा करते, बाय बाय करते, चल टाटा बाय बाय, मम्मी को बाय करता हूँ, फिर निकलता हूँ। अभी 9 बजे का गाड़ी, अभी 7:10 हो गया है। पहुँचने में मेरे को यहाँ से मुंबई सेंट्रल जाने का आधा पौना घंटा लगेगा। पहुँच के फिर देखते अभी क्या करना है, टिकट भी नहीं है, स्लीपर में घुसना है, एसी में घुसना है कि जनरल में लाइन लगाने मिलता है, कुछ भी पता नहीं है। महाकाल का आशीर्वाद है, चले जाएंगे आराम आराम से, मेरा दोस्त डायरेक्ट उधर ही मिलेगा। तो अभी सीधा मैं आपको मिलता हूँ मुंबई सेंट्रल। तो भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने टिकट बुक किया था एडवांस में, पर टिकट कन्फर्म ही नहीं हुआ, और सुबह तत्काल भी मारने गया, तत्काल में भी टिकट नहीं मिला, और मैं भी थोड़ा काम में था तो मैंने इतना ध्यान से तत्काल में ध्यान भी नहीं दिया, तो टिकट मिला नहीं। अभी जाके देखते जो भी सीन बनता है, बट ट्रेन पकड़ के जाना है, महादेव का बुलावा है तो अपन कैसे ना कैसे पहुंच जाएंगे। तो बस 9 बजे का ट्रेन है, पहुंचता मुंबई सेंट्रल। तो भाई हम लोग पहुंच गए, देखो मेरा दोस्त भी आ गया है, ये तो भाई सीधा ऑफिस से है फुल फॉर्मल में, और देखो अपना ट्रेन। और हम लोग, मैं आने से पहले ट्रेन आया था, पूरा जो जनरल डब्बा था पूरा फुल था, बैठने के लिए जगह नहीं है, टिकट कन्फर्म नहीं है। देखते अभी स्लीपर में घुस गए, टीसी आएगा तो पैसा देंगे, सीट रहेगा तो सीट लेंगे, नहीं तो इधर तो एडजस्ट करके चले जाएंगे। तो भाई पहुंच गए हम लोग उज्जैन, क्या बोलता है पाना, मजा आया रात की पूरी जर्नी में, जो मजे आए एक नंबर। अरे पब्लिक, ट्रेन पूरा खाली हो गया उज्जैन में, देखो पूरा ट्रेन खाली हो गया। मेरे को लगता है सब लोग ने क्लब पार्टी छोड़ दिया, 31st के दिन महादेव के दरबार में आ गए, सब लोग इधर ही दिख रहे हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। भाई आ गए हैं, और इधर कितने लोग आए देखो, सब लोग उज्जैन आए, सब लोग उज्जैन 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 पहुंच गए महाकाल के दरबार पे। तो भाई महाकाल की नगरी में आप सबका स्वागत है, क्या बोलते बाड़ा, जय महाकाल, जय महाकाल, एक नंबर। भाई अभी से आना चालू हो गया, अभी तो दर्शन करना बाकी है, पहले अभी रूम ढूंढना है। हम लोग ने कुछ भी बुकिंग करके नहीं आया, जैसा मैंने आपको बोला पूरा बैक पैकिंग ट्रिप है, मैं और मेरा दोस्त ही आया बस, तो अभी कुछ भी बुकिंग नहीं किया, अभी पहले होटल ढूंढते हैं। तो भाई हम लोग स्टेशन से निकल गए, फोटो वगैरह खींचा के, इधर से 1.5 किलोमीटर ही है महाकाल टेम्पल, तो हम लोग होटल भी उधर ही लेने का सोच रहे हैं। इधर आपको स्टेशन पे बहुत लोग मिलेंगे, ऑटो वाले, उनका कमीशन रहता है, होटल दिलाता हो छोड़ता हो तो उनका कमीशन रहता है, अगर रहेगा परवरिश तो उधर भी जा सकते हो, नहीं तो क्या अपन अपना ढूंढ लेंगे। अभी हम लोग के पास हम दोनों ही है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं, टाइम की कमी नहीं है, तो हम लोग चल के जा रहे हैं। सुबह सुबह का वॉक भी हो जाएगा, मज़ा भी आ रहा है, तो चलो जरा एंजॉय करते हैं महाकाल की नगरी। तो भाई अभी ईयर एंड है, बहुत सारा पब्लिक इधर आ रहा है, बहुत सारा पब्लिक इधर आ रहा है, तो हम लोग को रूम मिला है, आपको रूम दिखाता हूँ, एकदम छोटा सा रूम मिला है पर हम दोनों के लिए काफ़ी है, और रूम थोड़ा अच्छा भी है। इसका उन्होंने हम लोग से लिया 2,000 रुपया पर डे, 4,000 रुपया दो दिन का लिया है, बट हम दोनों के लिए रूम काफ़ी है। हम लोग इधर रहना भी नहीं, दिन भर तो घूमना ही है, कल हम लोग इधर से ओंकारेश्वर निकलेंगे, तो ओंकारेश्वर के बस का बुकिंग वगैरह सब आज ही करेंगे, तो देखता हूँ कैसा क्या करना है। और अभी शायद ये लोग बोल रहे हैं कि अपने को भस्म आरती चाहिए, तो उसका बुकिंग रात को 11 बजे से लाइन लगता है, सुबह 5 बजे जाके टोकन मिलता है, तो शायद भस्म आरती करेंगे नहीं करेंगे वो कॉल लेते, पहला फ्रेशन अप होते हैं और फिर निकलते हैं आज इधर। पहला महाकाल भैरव टेम्पल जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर आगे जो जो घूमता हूँ आपको बताऊँगा, पहले आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। तो भाई रूम आया, इधर टीवी नहीं है, छोटा सा स्वीट रूम है, देखो रूम अच्छा है, इधर फिर खुद को देखने का पटेली में, फिर उधर वॉशरूम है बस, और देखो लैपटॉप इधर आके भी काम कर रहा है। तो मजदूर देखो काम भी कर रहा है, पूरा ड्रेसअप होके काम कर रहा है, बोलता है मेरा सर चिल्लाएगा। तो अभी मस्त भाई की नहाते फ्रेश होते हैं और फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई अभी दोनों भाई रेडी हो गए, हम लोग 8:30 को पहुँच गए थे, 9:30 तक, 9:15, 9:20 तक हम लोग को होटल मिला, और 10:30 हम लोग निकलने का प्लान किया, 10:30 हो गया। इसने थोड़ा बीच में मजदूरी भी किया, आपने देखा काम कर रहा था, काम करने के बाद इसको नहा के 1 घंटे हम लोग सब रेडी हो गया, अभी निकल रहे। और देखो आज हम लोग ने क्या पहना है, देखो कुछ ऐसा सब पहना है दोनों भाई ने, छावा में दिख रहा है, इसको लेके चल रहा है, चलो मेरे साथ।
सीधा जा रहे हैं महाकाल टेम्पल, महाकाल बाबा के दर्शन करने, जिसकी उज्जैन नगरी उनके दर्शन करने। तो अभी देखते कितना टाइम लगता है। अभी इधर से हम लोग के होटल से 1 किलोमीटर दूर होटल लिया हम लोग ने जानबूझ के, क्योंकि इधर बहुत भीड़ था मैंने सुना, इसके लिए हम लोग ने थोड़ा दूरी होटल लिया। तो अभी फटाफट जाते दर्शन करते, इधर से हम लोग को 15 मिनट वॉकिंग है, आराम से वॉक भी हो जाएगा, फिर अगर बीच में कुछ खाना रहेगा खा लेंगे और फिर जाएंगे दर्शन करने। बताता हूं आपको एग्जैक्ट दर्शन कितने टाइम में होते। ये देखो ये ऐसे कुछ हम लोग का होटल का रिसेप्शन है। हेलो भाई ने अच्छा डील दिया, थैंक यू भाई। थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुक गए, पोहा, इंदौर आए तो पोहा तो खाना बनता है। तो देखिए पोहे फेमस है, इधर बहुत सारा आइटम मिल रहा है, देखा था आपको। देखो इधर पोहा पड़ा है, नमक पड़ा है, समोसा मिस ऑफिस देना भी है। तो थोड़ा खा के मिलता हूँ आपको, एक नंबर, एंजॉय कर रहे हैं। चलो नाश्ता वगैरह हो गया, भाई ने देखो टी शर्ट भी लिया महाकाल का। मैं आपको बताता हूँ अगर आपको होटल वगैरह लेना है ना, हम लोग 45 मिनट ढूंढे, हम लोग ने बहुत जगह के होटल देखे, उसके बाद एक होटल चॉइस किया और बेस्ट मिला है। तो मंदिर से थोड़ा एक आध किलोमीटर दूर रहेगा चलेगा, 10-15 मिनट लगता है, वॉक भी हो जाता है और रास्ता भी खाली देता है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आराम से मंदिर से एक आध किलोमीटर दूरी देखना। टिकटिंग किया है, ऐसे ई रिक्शा अवेलेबल है। और आपको बहुत सारे इधर होटल्स मिलेंगे मंदिर के पास, पर थोड़ा महंगा रेट में मिलेगा। देखो टी शर्ट वगैरह भी है सब अवेलेबल। भाई तिलक लगाया था अपना भाई, प्रसाद वगैरह ले लिया हम दोनों ने। तेरे दर आके आए चैना, तेरे दर आके आए चैना, ओ जप तरहू बाबा तेरी माला मेरा गहन। दोनों भाई ने प्रसाद ले लिया है, भाई ने टिक्का विक्का भी लगा लिया है। अभी हम लोग जा रहे दर्शन करने के लिए। कितना टाइम हो पाना, टाइम देखना। अभी देखते कितना टाइम में अपना दर्शन होता है। एग्जैक्ट ग्यारह बज रहा है। अभी कितने टाइम में मैं बाहर आता हूँ आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट 11 बजे जा रहे हैं अपन महाकाल के दर्शन करने। इधर 11:30 का शायद आरती होता है, जो अभी 25-30 मिनट्स में चालू होगा उसने बोला। तो अभी अपन आरती भी अटेंड करेंगे और फिर ही बाहर आएंगे। मंदिर इधर से दिखना चालू हो गया, वाह यार अलग ही फीलिंग आ रही यार, चेहरे पे अलग ही निखार आ रहा है, अलग ही खुशी आ रही है, पता नहीं क्यों, बट अभी दर्शन हो रहे तो ज़्यादा खुशी हो रही है यार। मज़ा आएगा यार। आज ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, अभी तक तो भीड़ मिला नहीं है, अभी आके जाके देखते हैं कभी दर्शन होता है। अगर आप गेट से अंदर एंट्री करोगे एकदम महाकाल के मंदिर के सामने जूता स्टैंड वगैरह पूरा है, तो कोई तकलीफ नहीं। हम लोग ने जहाँ से प्रसाद लिया वही जूता निकाला, आप अंदर भी आके निकाल सकते हो। अभी हम लोग ने गलती किया तो आपको बता रहा हूँ, आप ना करें। ये VIP लाइन है, VIP का कॉस्ट कितना भाई? 250 रुपीज़ लगा के देखो VIP दर्शन करने का है। बट अभी अपने पास बहुत टाइम है, अपन VIP दर्शन करेंगे नहीं, इस टाइम अपन जाएंगे नॉर्मल लाइन में आगे, तो ज़्यादा बड़ी दिख नहीं रही है। तो अभी क्या है, VIP दर्शन वगैरह अपन नहीं करेंगे, अपन जाएंगे लाइन लगाएंगे, जितना टाइम लगता है अपन लाइन लगाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। जैसे आप अंदर आओगे आपको देखो पहला सबसे बड़ा गणेश मंदिर दिखेगा, से अपने को आगे जाना है, देखो भीड़ दिख रहा है। अभी भीड़ होना चालू हो गया और 11:30 आरती का टाइम है, तो देखो शायद आरती का आवाज चालू हो गया है। तो ये यहाँ से अपने को एंट्री करना है। देखो ये जैसा बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि अपने को कौन सा स्पॉट कहाँ पे है। फिर यहाँ से हम लोग आगे चले, देखो लेफ्ट साइड में भी आपको दिखेगा शू स्टैंड, यहाँ पे आप शू निकाल सकते हो। एग्जैक्टली मंदिर के अपोजिट साइड ही है, देखो इधर बड़ा अक्षर में लिखा है जूता स्टैंड। और सामने अभी अपने को दिख रहा है महाकाल मंदिर पहुँचने का मार्ग, यहाँ से लाइन लगना चालू होता है। हम लोग गए, लाइन बिल्कुल नहीं था, आज बिल्कुल भी गर्दी नहीं। देखो हम लोग जा रहे आराम से, कोई गर्दी नहीं है, फटाफट दर्शन हो जाएंगे ऐसा लग तो रहा है। देखो पीछे शंकर द्वार है। पहला मैं आशीर्वाद ले लेता हूँ, फिर आपको पूरा टेंपल दिखाता हूँ। पहला हम लोग आशीर्वाद ले ले, क्या बोलते हैं आकाश जी? महादेव।
महादेव 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 अरहर महादेव अरहर महादेव चांद सा शीतल बनना है उस चांद सा शीतल बनना है मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है मुझे शिव से नहीं शिव में मिलना है दर्शन वगैरह हो गए इतना टाइम दर्शन करने के लिए नहीं लगा उससे ज्यादा टाइम तो अच्छा फोटो आने में लगा क्या बोलते हैं साहब लोग फोटो के लिए उसमें खड़े थे हम लोग का फोटो वगैरह खींचा के होगा अभी हम लोग जा रहे हैं तिलक लगाने और क्या है रक्षा सूत्र लगाने जो हाथ में पहनते वो लगाने जा रहे हैं अभी उनको पहनाते उस पर हमारी रक्षा होती है भूत प्रेत से ओके ओके थैंक यू वेलकम इधर हम लोग लाइन में लगे तिलक और सब लगा के जाएंगे पूरा मंदिर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो हम लोगों ने भी नहीं यूज किया बीच में से नहीं आना है पीछे लाइन आओगे उसी को बंधेगा भैया सात रीजन का आप भी पीछे आओ चलो भैया आगे लाइन में चलो बीच में गैप मत दो भैया गैप मत दो बीच में गैप दोगे तो बीच में घुसेंगे हम इतनी तो श्रद्धा रखो यार एक एक घंटा लाइन में तो मैं आपके लिए तो बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बोलना पड़ेगा मैं बोलूंगा काम नहीं चलेगा हम लोग भी बोले सर वही बात है ना यार झगड़ा नहीं करना अपने देखो मंदिर के बाजू में सिद्धिविनायक मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है सर विविध मंदिर है यहाँ पे मंदिर के जस्ट बाजू में मेरी बात तो अभी इन्होंने ऑनलाइन भस्म आरती का दर्शन बंदा करके रखा है तो हम लोगों ने इसके लिए पूछा कुछ जुगाड़ हो सकता है एक दो तो बोला जो मंदिर में भटजी रहते हैं उन लोग को जाके 2-3 हज़ार रुपये दे के फिर वो भस्म आरती में आपका डायरेक्ट एंट्री कराएंगे क्योंकि अभी भीड़ बढ़ गया है तो अभी यही कुछ करना पड़ेगा जुगाड़ अभी देखते हैं नसीब में होगा तो होएगा भस्म आरती नहीं तो रात को 11 बजे जाके लाइन में लग जाएंगे मैं मेरा दोस्त फिर उधर से दर्शन कर लेंगे अभी देखते हैं आज रात को क्या कॉल करना है क्या करेंगे पंडित को लेंगे कि लाइन में देखेंगे कोई पहला पंडित ढूंढते कोई सस्ता वाला अगर मिला तो सही है नहीं तो लाइन लगा लेंगे कोई तकलीफ नहीं है मंदिर के आजू बाजू में भी घूमने के लिए मस्त है अभी देखो हम लोग पूरा मंदिर घूम के आए इसके बाद भी पीछे देखो वो रहने के लिए जो पीछे दिख रहा है वो रहने के लिए भक्तों के लिए फिर देखो पीछे पूरा घूमने के लिए अच्छा बनाया है मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर किया इधर देखो पूरा मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर किया है सामने लेक है देखो ये कुछ तालाब दिखता है ऐसा पूरा मंदिर का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़ा है देखो सामने जो दिख रहा है
गेस्ट हाउस है, अपन इधर रह भी सकते हैं, पर अभी गर्दी का टाइम शायद फुल है। सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो नमः। सच्चिदानंद स्वरूपाय शंकराय नमो। तो अभी आपने जो पीछे थोड़े बड़े शॉर्ट्स देखे वो महाकाल कॉरिडोर के, ये अपन शाम को आएंगे आराम से घूमेंगे, तभी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा रहता है, तो शाम को आएंगे घूमेंगे, एक दो घंटा लगेगा अपने को। तो अभी आपको ओंकारेश्वर भी करना रहेगा, तो यहाँ से हर सिद्धि मंदिर है वहाँ से बस जाता है, अभी आपको उसका किराया वगैरह दिखाता हूँ। ये देखो एसी बस का टाइमिंग है मॉर्निंग का 6:50, 7:40, 10:50 पहुँचने का टाइम है, और सेम बस रिटर्न है कि 2:10 को। तो उसका चार्जेस देखो, नॉन एसी बस 4:50 जाना आना बोथ साइड, एसी बस बोथ साइड 5:50 जाना आना। हर सिद्धि मंदिर दिख रहा है और यहाँ पे काउंटर लगा है, ये गवर्नमेंट का काउंटर है और चार्जेस भी गवर्नमेंट के है। देखो कांटेक्ट करना रहेगा तो भाई का नंबर दिया इधर, भाई ये अपना करवा के देगा क्या भाई, तो भाई अच्छे से दर्शन भी हो गए, ओंकारेश्वर का टिकट भी बुक हो गया जाने का, कल आने का उधर से टिकट करवा लेंगे, इसी भाई का नंबर लिया ये भाई करवा देगा। तो बस आज के सब काम हो गए, अभी शाम को सिर्फ हर सिद्धि मंदिर जाना है, तो हर सिद्धि माता मंदिर दर्शन करेंगे, फिर उधर आरती करेंगे, फिर बड़ा गणेश गणपति दर्शन करेंगे, फिर महाडोर कॉरिडोर जाएंगे। इतना आवाज है यार, वो आज शाम को करना है, फिर आज आके आराम करेंगे, कल सुबह 7:40 का बस है हमारा, तो 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे तक होटल से निकलना पड़ेगा। तो भाई अभी दोपहर हो गया, हम लोग लंच वगैरह करके आ गए, तो आज का व्लॉग यही खत्म करता हूँ, आज का दिन खत्म नहीं हुआ पर व्लॉग खत्म करता हूँ अभी। सॉरी, अभी शाम को अपन जाने वाले हर सिद्धि माता के मंदिर, उसके बाद वहाँ की आरती देखेंगे जो बहुत फेमस है, उसके बाद अपन सबसे बड़ा मंदिर है वो देखेंगे बड़ा गणेश, उसके बाद अपन जाएंगे रामघाट वगैरह जाके आएंगे, तो वो सब कल के मतलब नेक्स्ट व्लॉग में कवर होगा, हम लोग के लिए आज ही रहेगा, तो हम लोग आज जाने वाले और थोड़ा आराम करेंगे, 5 बजे निकलेंगे। तो चलो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड हर हर महादेव, जय महाकाल।